हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे एमएम एक्सक्लूसिव चैनल पर। दोस्तों, आज मेरे पास एक मोबाइल आया है, ये है टेक्नो का। तो देखिए, इसमें पैटर्न लॉक है और FRP। देखिए जो मॉडल है ये है टेक्नो का, टेक्नो स्पार्क गो 2020 KE5 मॉडल है। तो चलिए ये देख सकते हैं, ये टेक्नो का है। तो मैं एक बार आप लोगों को लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इसका मॉडल जो है वो क्या है। देखिए, इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्ट कर दिया और देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर भी आ गया है, टेक्नो स्पार्क गो 2020। देखिए यहाँ पे आ गया है। तो चलिए आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि UMT से कैसे इस FRP को अनलॉक कर सकते हैं UMT टूल से। तो चलिए, पहले इसको हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको हार्ड रीसेट कर रहा हूँ। पहले इसको पावर और वॉल्यूम प्लस को दबा के रखना है। हाँ, अभी फिर से एक बार वॉल्यूम प्लस और पावर की को दबाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आ गया। अभी यहाँ से आप लोगों को वाइप डाटा करना है। तो चलिए मैं वाइप डाटा करता हूँ। वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है। अभी पावर की से एंटर करना है। अभी देखिए नीचे फिर से जाना है। अभी पावर की से एंटर। देखिए ये रीसेट हो चुका है। तो देखिए, मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ ये पावर की से। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं और दिखा देते हैं कैसे हम लोग UMT से FRP को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए मैं सॉफ्टवेयर को खोल रहा हूँ। देखिए सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं। एक मिनट, ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों, ओपन हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोगों को ये टूल्स और FRP जो ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। हाँ, देखिए ये टूल्स यहाँ पे जाना है, FRP टूल्स। अभी देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर पे हम लोग सेलेक्ट करना है टेक्नो। देखिए एक सेकेंड, टेक्नो ये, हाँ ये टेक्नो सेलेक्ट हो चुका है। और अभी देखिए यहाँ मॉडल नंबर पे जाना है KE5, टेक्नो स्पार्क गो KE5। देखिए सिलेक्ट हो चुका है। और अभी यहाँ FRP रिसेट FRP हम क्लिक कर दिए हैं। और देखिए ये वेटिंग फॉर पोर्ट के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए मोबाइल को कनेक्ट करके दिखा देते हैं। इसमें वॉल्यूम प्लस और इस डाटा केबल को लगाना है पावर ऑफ करके, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है। और देखिए अभी ये FRP रिमूव हो रहा है। देखिए ये काम चल रहा है। देखिए दोस्तों ये, और ये देखिए सक्सेस हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़ोन को ऑन करते हैं। ये हो चुका है, मेरा जो काम था ये FRP रिमूव हो चुका है। देखिए फ़ोन को ऑन कर रहे हैं। देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है। ये देखिए ऑन हो रहा है। और देखिए ये स्टार्ट हो चुका है। अभी देखिए इसको सिंपल से ये प्रोसेस को ओके करना है। और स्टार्ट पे क्लिक किया और अभी देखिए क्या क्या ऑप्शन आता है। हाँ देखिए यहाँ पे लैंग्वेज कंट्री, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। एक सेकेंड, हाँ ये मिल गया इंडिया। अभी नेक्स्ट करना है। यहाँ पे भी सिंपल सा आपको स्किप करना है। यहाँ पर वाईफाई का दे रहा है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्किप कर देते हैं इसको। और देखिए इसमें ओके करना है आपको पॉलिसी पे। तो इसमें नेक्स्ट कर दिया। और देखिए अभी इस पर एग्री करना है, एक्सेप्ट स्किप करना है, ठीक है। जो है सिंपल सा आपको प्रोसेस को ओके करके जाना है, बस ओपन हो जाएगा। कोई FRP कोई ईमेल आईडी नहीं मांगेगा अभी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑन हो रहा है।
प्रोसेस हाँ ये स्टार्ट होने ही वाला है। देखिए फाइनली ये ऑन हो चुका है, तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका एक बार मॉडल नंबर सेटिंग से। देखिए सेटिंग है और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर दिखा देता हूँ एक बार। देखिए फ्रेंड्स ये है माय फोन, देखिए यहाँ पे आपको टेक्नो स्पार्क गो 2020 दिख रहा है और मॉडल नंबर पे देखिए टेक्नो KE5। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।